हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। आप लोग बता दो, इंडिया तो सेमीफाइनल में हार के बाहर हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के जो पीएम हैं, हार के भारत की हार पर लिए थे मजे। इरफान पठान ने पाकिस्तान का कड़वा सच बताकर उनकी बोलती बंद कर दी है। यानी ऑफिशियल ट्वीट के द्वारा इरफान पठान ने ऐसी बात की है कि पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी गई है। आइए जानते हैं क्या नहीं, बहुत कुछ जानने मिला। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बता दूं, भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखने का सपना अब टूट चुका है। आप लोग बताना चाहिए, दोनों देशों के करोड़ों फैंस निराश हैं। वही पाकिस्तान ने भारत का सेमीफाइनल में हार का कुछ लोग जश्न भी जमकर मना रहे हैं। सरहद पार से भारत की हार के बाद कई रिएक्शन सामने आए। कुछ लोगों ने भारत की हार पर अफसोस जताया तो कुछ लोगों ने भारत को फाइनल खेलने के लायक टीम भी नहीं बताया। यानी कुछ लोग सरहद पार जो है पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ लोग तो अफसोस जताया, लेकिन कुछ लोग ने उस पर मजे लिए। कुछ लोग तो ऐसे बोल दिए कि भारत फाइनल खेलने लायक टीम ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोले। और साथ ही साथ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तो हद पार कर दी, भारत की हार पर बेहद खुश नजर आए। उनकी खुशी का आलम यह रहा कि टीम को हारते ही उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, ध्यान दीजिएगा, वो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट टीम को लेकर एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने भारत को ट्रोल करते हुए लिखा, तो रविवार को यानी जब फाइनल होने वाला है, 150/0 वर्सेस 170/0 का यह मैच होगा। शहबाज शरीफ इस ट्वीट पर दोनों देशों के क्रिकेट फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और इरफान पठान के द्वारा क्या बोला गया, आइए जान लेते हैं। भारत पाकिस्तान की बात हो तो पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान चुप रहे, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को ट्वीट पर इरफान पठान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने शहबाज शरीफ के ट्वीट का टैग करते हुए लिखा है कि आप में और हम में यही फर्क है, हम अपनी खुशी में खुश होते हैं और आप दूसरों के तकलीफ में खुश होते हैं, इसलिए खुद का मुल्क तो बेहतर से संभाला नहीं जा रहा, ध्यान दिया नहीं जा रहा, दूसरे मुल्क पर और दूसरे की खिलाड़ियों पर आप लोग ध्यान देते हैं। ये रहा अब उनका ट्वीट, आप लोग ये देखिए, स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं। पूरा ट्वीट आप लोग लिखा रहा है, इसमें पूरे लिखे हैं शहबाज शरीफ के द्वारा क्या लिखा गया था और इरफान पठान के द्वारा क्या ट्वीट किया गया था। ठीक है, ये रहे आप लोग के न्यूज। आप लोग इस वीडियो पर और इस दोनों ट्वीट के ऊपर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।